हरियाणा के रेवाड़ी से फिर शर्मसार करने वाली खबर। जवाहरलाल नेहरू कैनाल में मिला नवजात बच्ची का शव। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मदद से निकाला बच्ची का शव। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया रेवाड़ी नागरिक अस्पताल। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब खबर विस्तार से। रविवार को फिर से रेवाड़ी में एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। लोक लिहाज कहें या बेटे की चाहत, आखिर एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को नहर में फेंक सकती है। ऐसा ही कुछ रेवाड़ी में हुआ। एक कलयुगी माँ ने एक नवजात बच्ची को नहर में फेंक दिया। रविवार सुबह रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित जेएनएल कैनाल पर सफाई कर्मचारी जब नहर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें भ्रूण दिखाई दिया, जिसे देखकर सफाई कर्मचारी सकते में आ गए। उन्होंने इसकी सूचना मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस आसपास के गांव में यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर भ्रूण किसने फेंका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हरियाणा में इस तरह के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कोसली में भी नहर में एक नवजात बच्ची का शव पत्थर से बांधकर फेंक दिया गया था। इस मामले में भी आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से बच्चों को नहर में फेंका जा रहा है, यह सभ्य समाज के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। फिर आखिर कब तक बेटियां अपने आप को बेटों से आगे दिखाने के लिए यह अग्नि परीक्षा देती रहेंगी। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें व खबरों पर अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।